देता हूँ कि क़ज़ा नमाज अदा करना वैसे तो वैसी अदा करनी चाहिए जैसे आम आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन फ़ुक़हा ने ज़रूर ये लिखा है कि बाज़ औक़ात कसीर क़ज़ा नमाजें बाकी होती हैं और नफ्स उनकी कसरत की वजह से अदायगी में सुस्ती का मुज़ाहरा करता है। ऐसी सूरत में अगर उन नमाजों की अदायगी के सिलसिले में तखफीफ से फ़ायदा उठा लिया जाए तो नफ्स खुशी बाखुशी राज़ी हो जाएगा, और बहुत बेहतर है कि वो नमाज में तखफीफ करके नफ्स को राज़ी करते हुए ताकि ये मुसलसल साथ दे और जल्दी जल्दी नमाजें अदा हो जाएं, उस चीज़ को इख्तियार करने में हर्ज नहीं है। तो तखफीफ ये है, नंबर एक, जब आप क़ज़ा नमाज शुरू करें तो सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह छोड़ दें, बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें, अलम शरीफ पढ़ें, सूरत पढ़ें। अब आप रुकू में गए तो रुकू में 3 तस्बीहात के बजाय सिर्फ 1 बार तस्बीह पढ़ लें, लेकिन इसमें ज़रूर है कि जब आप रुकू में आराम से पहुंच जाएं अब तस्बीह पढ़ें और ख़त्म करके फिर खड़े हों। ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ते हुए गए और बस ये रुकू में गए और उठ गए, इससे फिर फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा। इसी तरह सजदे के अंदर दोनों में 1-1 बार तस्बीहात पढ़ लें। दूसरे इसमें एक मज़ीद तखफीफ ये है कि आप, जैसे आपने ख़ुद कहा कि तीसरे और चौथी में अलहम्द के बजाय 3-3 बार सुबहानल्लाह कह लें। इस पर कलाम करता हूँ लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के। ये एक बहन को बता रहे थे कि क़ज़ा नमाज में तखफीफ क्या तखफीफात क्या हासिल हो सकती हैं। पहला बताया कि आप सना, तआवुज़ और तस्मिया छोड़ दीजिए, रुकू और सुजूद में 1-1 बार तस्बीह पढ़ें 3 के बजाय, और फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में अलहम शरीफ के बजाय सिर्फ 3-3 बार सुबहानल्लाह 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 कहकर आप रुकू कर सकती हैं। नीज़ आखिर में अत्तहियात के बाद पूरा दुरूद इब्राहिमी या दुआ ना पढ़ना चाहें तो उसको छोड़ दें और सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कह लें, यानी अत्तहियात पूरी पढ़ें, इसके बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कहकर आप सलाम फेर सकती हैं। वितर के अंदर 3 रकअतें ही पढ़ेंगे। जिसने आपको बताया कि 1 रकअत वितर पढ़ सकते हैं उसने गलत कहा, लेकिन ये ज़रूर है कि तीसरी रकअत में दुआए कुनूत के बजाय आप 3 बार सिर्फ यूँ कह लें रब्बिग़फ़िरली 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 या अल्लाहुम्मग़फ़िरली अल्लाहुम्मग़फ़िरली अल्लाहुम्मग़फ़िरली, इतना कह के आप रुकू कर सकती हैं। तो इससे बहरहाल नमाज काफ़ी मुख्तसर सी हो जाती है और नफ्स आसानी के साथ नमाज की अदायगी की तरफ माइल हो सकता है। ये एक तखफीफ वाला तरीक़ा है, लेकिन अफजल और औला वही तरीक़ा है कि आप पूरी नमाज पढ़ें। लेकिन अगर पूरी नमाज पढ़ने के सिलसिले में नफ्स इतना गालिब आ रहा है, सुस्ती कर रहा है कि पढ़ ही नहीं जा रही, तो इससे कहीं ज़्यादा छोड़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर यह है कि आप तखफीफ वाले तरीक़े के साथ नमाज को अदा फरमा लें।